मुद्दा शराब था, शराब बंद नहीं किया सरकार, उन किसी की नहीं बन पाई। यहाँ हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करवाने के लिए सरकार नहीं बैठी है, इसलिए लोगों को इस राज्य के मुख्यमंत्री ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। गायें रोड पे है, गौठान खाली है, गौठान खाली है, वहाँ चारा की व्यवस्था नहीं है। हाँ तो कांग्रेसिया, लेकिन अब भाजपा जीता, भाजपा को जीता। हाँ बार काला वोट दे, अब तुम बताते हैं मतलब जी। वो तो सोच सर, हमारी टीम द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कवर किया जा रहा है, और अभी हम पहुंच गए हैं विधानसभा क्षेत्र कोटा, जो कि जिला बिलासपुर के अंतर्गत आता है, और विधानसभा कोटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के लोगों से हम चर्चा करेंगे कि उनका रुझान किस पार्टी की ओर है। देखिए मैं कोटा का जय स्तंभ चौक के पास पहुंच चुका हूं, और देखिए आसपास यहां आपको पब्लिक दिखाई दे रही होगी, और यहां हम जो भी पब्लिक उनसे हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चला आइए, यहां की पब्लिकों से जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, अभी जैसे विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इस बार किसकी सरकार बन सकती है, आपको क्या लगता है? अब इसके बारे में कोई आइडिया क्या लगता है? लेट बता भैया, आप बताओ किसकी सरकार बन सकती है? बताना बताओ। चलिए, अभी जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और जहां भी देखिए जो राजनीतिक माहौल है गरमा रहा है, तो आपको क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है सर। क्यों? काम बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, जो शिक्षित बेरोजगार थे, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, उन लोग के लिए भी बेरोजगारी भत्ता, और जो कृषि भूमिहीन हैं, जिनके पास मतलब खेती के लिए भी आ कहते हैं नहीं है, है ना भाई, कृषि भूमिहीन लोग, उनके खाते में भी आ कहते हैं राज्य सरकार पैसा डाल रही है। और दूसरी बात, अब गोबर से बहुत आ कहते हैं खाद भी बन रहा है, कंपोजिट खाद भी बन रहा है, पेंट भी बन रहा है, आपका कंडा भी बन रहा है, और रोजगार मिल रहा, सबसे अच्छा बात है ना। तो भाई जनता को चाहिए क्या? रोजगार चाहिए। और दूसरी बात, अभी जो भर्तियाँ जितनी भी वैकेंसी खाली थी, वैकेंसी निकाल दिए हैं, तो क्या है, बगैर पैसे के, मगर आवेदन में कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री आप कास्ट है, आप डायरेक्ट आवेदन करिए ऑनलाइन में, और आप एग्ज़ाम दिलाइए, आपके में आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी काबिलियत है, तो आपको नौकरी मिलेगी। आप बताइए, अभी जैसे विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो किसकी सरकार बन सकती है छत्तीसगढ़ में? इसको कहा नहीं जा सकता, सरकार किसी भी बन सकती है, बहुमत कुल किसी को नहीं आएगा। क्योंकि पब्लिक का रुझान किस ओर है, कुछ तो समझ आ रहा होगा। क्योंकि सरकार ने जिसके नाम से जीता था, वो शराब भट्टी के नाम से जीता था, शराब बंद किया नहीं, 5 साल कमा लिया शराब से, अगर फिर बोले कि बंद करूँगा तो कहाँ बन भाई सरकार। मेन मुद्दा उनका शराब था, महिला लोग का जो वोट बैंक में मिला उनको, उनका मेन मुद्दा शराब था, शराब बंद नहीं किया सरकार, उन किसी की नहीं बन पाई। तो क्या तीसरे विकल्प में किसी और पार्टी को देख सकते हैं? नई पार्टी तो काटेगी ही वोट, एक दो सीट पाएंगे, और कंपटीशन दोनों में ही रहेगा, बीजेपी और कांग्रेस में। वोट वोट दे सर दाई। हाँ एक बार काला वोट दे, अब तुम बताते हैं मतलब जी। वो तो सोचे हो भाई, काला वोट दे, तुम बताते हैं भाई, तुम्हें मुखिया मान ये मतलब। विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो इस बार किसकी सरकार बन सकती है छत्तीसगढ़ में? जैसे कि किसान जैसे खुश हैं अभी भूपेश बघेल से, और स्थानीय मतलब छत्तीसगढ़ का ही हमारा मुख्यमंत्री है, और छत्तीसगढ़ की जनता उस मुख्यमंत्री को लगातार पसंद कर रहा है, क्योंकि तीज त्यौहार गेड़ी चढ़ना, तो लोग इस बार हो सकता है फिर से भूपेश बघेल को ही जिताएंगे। तो कांग्रेस की सरकार फिर से गेड़ी चढ़ने जा रही है? गेड़ी नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से मुद्दों को लेकर, जैसे किसान के हित में, या आत्मानंद स्कूल के विषय में, या कुछ बेरोजगारी जो कम हुई है, और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, इसलिए सरकार को जनता चाह रही कि ये सरकार दोबारा रिपीट हो। यहाँ हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करवाने के लिए सरकार नहीं बैठी है, इसलिए लोगों को इस राज्य के मुख्यमंत्री ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है छत्तीसगढ़ में? देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस ने कार्य किया है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार फिर रिटर्न कांग्रेस ही आएगी। क्योंकि किसी को बोलने का मौका उन्होंने दिया नहीं है, किसान क्षेत्र, किसान के लिए और अदर पर्सन्स के लिए, लेकिन एक काम नहीं कर पाए हैं कि ट्रेन को रोकने के लिए कार्यशील नहीं हो पाए हैं वो।
हमारे कोटा विधानसभा में ये हाल है कि ट्रेन रोकने के लिए ऑटो वाले से लेकर हर पब्लिक तक ट्रेन पर लेटने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद ट्रेन रोकने का कार्य नहीं किया गया। और इससे ये हाल हो गई है लॉकडाउन के बाद से, ये हाल हो गई है कि एक लोअर क्लास आदमी वो बेचारा 50 रुपये खर्चा करके बिलासपुर जाना चाहता है, पहले 10 रुपये में बिलासपुर पहुँच जाता था एक ट्रेन से, और वो आदमी 100 रुपये कमाता है 50 खर्चा करके बिलासपुर जाएगा तो उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या रहेगी। अच्छा, अगर महंगाई की बात करें तो जिम्मेदार कौन है भाई? अब महंगाई की बात किया जाए तो लॉकडाउन के बाद तो ये कहा जाए कि लॉकडाउन ही जिम्मेदारी है, बाकी किसी केंद्र सरकार जिम्मेदार है कि राज्य सरकार, ये बताइए। नहीं, इसमें मेरे हिसाब से दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद महंगाई हर देश की बढ़ी है, उसमें भारत का भी है, क्योंकि आवागमन बंद होने के कारण ही महंगाई बढ़ती है, इसके कारण महंगाई बढ़ी है जहाँ तक मेरे को जानकारी है, इसमें केंद्र। अच्छा, आप बताइए इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में? इस बार कांग्रेस की सरकार। क्यों? जो काम कांग्रेस किया है वो काम और अच्छा काम किया, अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है। लगातार हमारी टीम द्वारा कवर की जा रही है और हम कोटा में है और कोटा के लोगों के बीच में है और कोटा के लोगों से ही जानना चाहेंगे कि किसकी सरकार बना रही है। देखिए, कोटा का जय स्तंभ चौक है और यहाँ देखिए आप लोग दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, ये थोड़ा इधर आइए ना, अभी जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने जा रहे हैं तो किसकी सरकार बन सकती है, क्या लगता है आपको? काखर ला बताऊं भाई मैं। आप किसको जिता रहे हैं बताइए? मैं तो कांग्रेस ही, लेकिन अब भाजपा को जीता हूँ। भाजपा को जिता रहे? क्यों, ऐसे क्यों? मोला बड़ा का अच्छा नहीं लगा था। जैसे कि अभी सब तोरे दारू बंद करवा दूँ कह रहे, इस गंगा जल का कसम खा के आज तक के दारू नहीं बंद हुई है, और ऐसे दो चार की वादा करे जो नहीं भावे नहीं करे, गोबर कचरा में थोड़े चल गए जीवन है। तो इस बार आपको लगता है कि सत्ता पलट होना चाहिए? हाँ, आगामी 2-3 महीनों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? कोटा विधानसभा की बात कर रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं? विधानसभा की बात करूँ, ऑल छत्तीसगढ़ की बात करूँ, किसकी कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है? अभी वर्तमान स्थिति में तो संभवतः ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाई दोनों राजनीतिक जो दल हैं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, अपने हिसाब से लगते हैं। विपक्ष में भाजपा है, उसके अपने मुद्दे हैं। रहा सवाल अगर आप पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में, तो हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वर्तमान जहाँ आप खड़े हो कोटा विधानसभा, यहाँ पर बुनियादी मुद्दे बहुत हैं, यहाँ पर लोगों की समस्याओं से बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें ना ही वर्तमान जो भी सत्ता पक्ष का है ना ही विपक्ष है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देने को नहीं मिलता। चूँकि अभी यहाँ पर चुनाव का माहौल है, इसलिए राजनीतिक दल के सभी नेताओं का आवाज़ यही चालू हो गया है। अभी कुछ हाल दिन पहले मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ संकल्प शिविर के बहाने आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई मुद्दों में बात नहीं हुई विशेष में। यहाँ पर सबसे बड़ा भी है कोविड के बाल, हमारे यहाँ जो ट्रेन का बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर लोगों का जो व्यापार खत्म हो गया, लोगों का रोजगार खत्म हो गया, आंदोलन किया गया नगर संघर्ष समिति के बारे में, इसके प्रति ना ही किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा कोई सहयोग अभी तक तो नहीं मिला है। अब यहाँ पर अब चुनावी माहौल है, तो इस रेल आंदोलन को अभी कांग्रेस पार्टी कल यहाँ पर करने वाली है, लेकिन वर्तमान जो विधायक हैं और वर्तमान जो सांसद हैं यहाँ के, जिनके क्षेत्र के हैं, उनसे तो कोई उम्मीद अभी फिलहाल यहाँ पर कोटा में ऐसा विकास कार्य नहीं दिखा। अगर विकास कार्य को अगर आप कहोगे कि सामुदायिक भवन ही विकास कार्य है, गेट बना देना ही विकास कार्य है, या जो भी और भी जो है ये बना देना विकास कार्य है, तो विकास नहीं है, ये विकास नहीं कहा जा सकता ना। आज भी यहाँ पर लोगों में, ग्रामीण इलाकों चाहे शहरों में है, 30 बेड का अस्पताल यहाँ पर है, नहीं हो पा रहा है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रहा है, लोगों को शिक्षा की उतना स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पा रही है लोगों के यहाँ पर। यहाँ पर जितने भी अधिकतर जो हैं, यहाँ पर मुख्यालय जो हैं, अधिकारी कर्मचारी जो रहते हैं, अधिकतर मुख्यालय में रहते ही कहाँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेन समस्या है, समस्या बहुत है यहाँ पर, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन कोटा विधानसभा पिछले यहाँ 70 साल से कांग्रेस लगातार यहाँ जिताते आई है। वो दुर्भाग्य था कि पिछले बार कांग्रेस की सरकार जरूर बनी, लेकिन विधायक नहीं बन पाया। उस चक्कर में हमारे यहाँ का आसपास का जो इलाका है, बहुत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है, आदिवासी बहुल इलाका है ये। भले हमारे यहाँ सामान्य सीट है, लेकिन आदिवासी आज भी पिछड़ा हुआ है यहाँ पर। तो जो बुनियादी मुद्दे को लेकर जो बात की जाती है, ये खाली चुनावी जो चर्चा होती है, चुनावी होता है, चाहे आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया भी आती है चुनाव के समय, इससे पहले क्या है, उतना हमारे इस क्षेत्र को उतना जो विकास मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है। कोटा विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम द्वारा लगातार कवर की जा रही है और लोगों के बीच जाकर लोगों का ही रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, अभी जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है?
भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की क्यों बन सकती है? अभी उसी का चल रहा है। अभी तो जैसे अगर हम वर्तमान में बात करें तो कांग्रेस की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी वापसी कैसे कर सकती है बताइए। भैया अपना समझ बता रहे हैं और जैसा भी। अच्छा चलिए, आप बताइए छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो अब तो भाजपा के ही बनेगा। अच्छा, हाँ, कहे कि भूपेश सरकार से ना सब खा उब गए। अच्छा। इसकी नीति गड़बड़ है, पेपरबाजी करता है कि वो कर दिए वो कर दिए, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखो ना, अभी जाते हैं पैसा के लेने, तो अब वो केंद्र से पैसा वहाँ नहीं आया है, यहाँ नहीं आया करके पैसा आया है केंद्र से आ गया। वो अभी कई आदमी वापस आके बैठे थे, बता रहे थे सब। हाँ, तो ये भैया अब ये बंद कर दिया, भाजपा सरकार से दे दिया पैसा, केंद्र से पैसा आ गया है, इस कारण सब उब गए हैं, इससे उब गए हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस सरकार की बात करें तो कांग्रेस सरकार को किसानों की हितैषी कहा जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? किसानों के लिए तो काम ठीक से नहीं कर रहा है भूपेश सरकार। हाँ, उब गए मैं। तो इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है? बनना चाहिए। अच्छा। बनना चाहिए, भाजपा की सरकार बनना चाहिए। हाँ, आप बताइए किसकी सरकार बन सकती है छत्तीसगढ़? समय बताएगा, जो लहर आएगा उसको देंगे। अच्छा, जैसे कि केजरीवाल है, वो भी केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, 90 विधान सीटों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या लगता है इस पर कांग्रेस और भाजपा को कुछ फर्क पड़ सकता है? टक्कर तो भाजपा कांग्रेस ही में रहेगा, अभी उसका भी जनाधार नहीं है ना उसका भी। आप बताए आपको क्या लगता है? चलिए आइए, यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कोटा विधानसभा क्षेत्र में लगातार हमारी टीम द्वारा कवर की जा रही है और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम चर्चा करें और जानने की कोशिश करिए। बताइए अभी जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने जा रहे हैं, तो किसकी सरकार बन सकती है? सरकार अब इसको तो जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बननी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की जो चार जो नारा है, नरवा गरवा घुरवा बारी, उसकी स्थिति क्या है आप लोग रास्ते से देखते आ रहे होंगे। सारे गायें रोड पे हैं, गौठान खाली है, वहाँ चारा की व्यवस्था नहीं है। नरवा आपको पता है सारे क्या स्थिति है नरवा की, नरवा का कोई विकास नहीं किया गया है। गरवा रोड में है, घुरवा तो गांव में, अब जब गायें नहीं है गांव में तो घुरवा की स्थिति क्या है। और बाड़ी तो समझ रहे हैं आप सारे, आज के डेट में बाड़ियों में मकान बन गए हैं। तो ये जो ये चार इनका जो नारा है नरवा गरवा घुरवा बारी, ये टोटल दिखावे के लिए है और कुछ नहीं है। विकास कार्य शून्य है, गोबर खरीदी के नाम पे केवल घोटाला किया जा रहा है, वर्मी कंपोस्ट किसानों को जबरदस्ती प्रेशर बना के बेचा जा रहा है, वो भी तीन पंचवर्षीय तक भाजपा की सरकार थी, तो ऐसा क्या कमी रह गया था कि भाजपा की जो भाजपा पार्टी तो हार गई? निश्चित ही 15 साल में एक जनता का जो मन होता है, एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और कहीं ना कहीं पार्टी में जो चूक हुई है उसको अब पार्टी के द्वारा सुधारने का काम किया जा रहा है और उसको नया रूप देने का काम पार्टी कर रही है। ऐसी आशा है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की और कोटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का भाजपा का विधायक बनेगा। अच्छा, आप बताइए कि अभी जैसे जो केजरीवाल है आम आदमी पार्टी, वो अभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो इससे क्या लगता है आपको कि भाजपा और कांग्रेस को इससे क्या फर्क पड़ सकता है? कोई मान्यता नहीं उनकी, चाहे आम आदमी पार्टी, उनको लोग बाग जानते ही नहीं। जानते हैं तो लिखा पढ़े जो पढ़े लिखे लोग हैं वही जानते हैं आम आदमी पार्टी, बाकी यहाँ गांव देहात में कोई जानते नहीं, सिर्फ झाड़ू जानते हैं साफ करने। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी। अच्छा, तो कितने सीटों से निकाल सकती है? बहुमत के साथ निकालेगी सीट, पूरा पूर्ण बहुमत से। चलिए आप बताइए छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में भाजपा की ही सरकार बनेगी। अभी जो भी सरकार है उसका कोई दिखावे की सरकार है, कोई काम काज में महत्व नहीं दिया जा रहा है। आने वाले समय में भाजपा की ही सरकार बनेगी और कोटा विधानसभा से इस बार भाजपा प्रत्याशी जीतेंगे। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार है उसे किसानों के हितैषी कहा जा रहा है और किसान वर्ग भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार 2800 रुपये प्रति क्विंटल किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? किसानों का, गरीब किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है,
बिजली बिल हाफ बोले थे, बिजली बिल हाफ के जगह देखो आज बिजली बिल का रेट बढ़ा हुआ है, कहीं पे कोई बिजली बिल हाफ नहीं है। ये जो बता रहे हैं बिजली बिल हाफ है, ये है वह, कहीं कुछ बिजली बिल हाफ नहीं है। इसलिए जनता ऊब चुकी है कांग्रेस सरकार से, आने वाले समय में निश्चित ही भाजपा की सरकार बनेगी।